हेलो दोस्तों होप यू गाइज आर डूइंग वेल तो चलिए एसपीसीसी के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टेबल्स की दैट इज पीओटी एमओ टी एस टी एल टी बी टी इन टेबल्स की बात करेंगे विथ रेफरेंस टू असेंबलर और हर एक टेबल को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे समझते हैं पहले व्हाट इज असेंबलर असेंबलर इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट एक्सेप्ट इनपुट एज असेंबली लैंग्वेज एंड ऑप्टेन्स इट्स मशीन इक्वेलेंट कोड तो असेंबली लैंग्वेज एज एन इनपुट लेता है एंड मशीन इक्विवेलेंट कोड जनरेट करता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं अलोंग विद द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लोडर और इसके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी जनरेट करता है जो लोडर को रिक्वायर्ड होगी सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ असेंबलर अब समझते हैं स्यूडो कोड टेबल दैट इज पीओटी वट इज पीओटी पीओटी इज द फिक्स्ड लेंथ टेबल इन पास वन यूजिंग स्यूडो कोड स्यूडो ऑपकोड पीओटी इज कंसल्टेड फॉर प्रोसेसिंग सम स्यूडो ऑपकोड लाइक डीएसडीसी स्टार्ट एंड एक्सेट्रा तो पास वन में क्या होता है पीओटी किस लिए यूज होता है फिर पीओटी का यूज क्यू होता है फॉर प्रोसेसिंग सम स्यूडो ऑपकोड कुछ सूडो ऑपकोड जैसे कि डीएसडीसी स्टार्ट एंड ये सारे स्यूडो uh, ऑपकोड को प्रोसेस करने के लिए पीओटी का यूज होता है देन पार्स टू में यूजिंग स्यूडो ऑपकोड पीओटी इज कंसल्टेड फॉर प्रोसेसिंग समूडो ऑपकोड लाइक डीएसडीसी यूजिंग ड्रॉप तो अब सेकेंड पास में ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है उनका यूज या फिर उनको प्रोसेस करने के लिए स्यूडो ऑपकोड टेबल का यूज होता है पार्स वन में इन सारे इंस्ट्रक्शन को पार्स टू में ये सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस करने के लिए पीओटी टेबल का यूज होता है तो so, अब समझते हैं ये सारे इंस्ट्रक्शन क्या है ओके okay. सबसे पहला है स्टार्ट सो स्टार्ट इट इज यूज टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम जो भी आपका स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का उसको स्पेसिफाई करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज होता है स्टार्ट इंस्ट्रक्शन यूजिंग इंस्ट्रक्शन इट स्पेसिफाइज द बेस टेबल रजिस्टर दैट इज बिन यूज कौन सा बेस टेबल रजिस्टर यूज हुआ है वो स्पेसिफाई करने के लिए यूजिंग इंस्ट्रक्शन यूज होता है ड्रॉप इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रिमूव द रजिस्टर यूज इन द बेस टेबल रजिस्टर यूज इन द बेस टेबल जो भी रजिस्टर टेबल में यूज हुआ है उसको रिमूव करने के लिए ड्रॉप इंस्ट्रक्शन यूज होता है इक्यू यू इज यूज फॉर मेकिंग प्रोग्राम मोर रीडेबल ओके वेन एवर सिंबल डिफाइंड विथ ईक्यू यू स्टेटमेंट नो मेमोरी वुड बी अलोकेटेड, ओनली एन एंट्री वुड मेक इन सिम्बल टेबल तो जब भी कोई भी सिम्बल इक्यू यू स्टेटमेंट को डिफाइंड करता है या फिर डिफाइंड होता है उसके साथ में सो so, उसके लिए कोई भी मेमोरी अलॉकेटेड नहीं होती है बस एक सिंबल टेबल में एंट्री हो जाती है बिकॉज uh, ये रूल है एंड देन वन मोर थिंग इज वॉट की किस लिए यूज होता है फॉर मेकिंग प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड ईक्यू यू के साथ में कोई भी सिंबल अगर डिफाइंड है तो उसकी एंट्री बस सिंबल टेबल में होती है वो कोई स्पेस अलॉकेट नहीं करता है मेमोरी में नाउ डीसी की बात करते हैं दैट इज डिक्लेयर कॉन्स्टेंट इट इज यूज टू डिक्लेयर और डिफाइन दी वैल्यूज डिक्लेर स्टोरेज इट इज यूज टू स्टोर द वैल्यू एट स्पेसिफाइड एड्रेस सो दीज आर दू इंस्ट्रक्शन ऑफ स्यूडो ऑपको टेबल और यू कैन से दीज इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड यूजिंग स्यूडो ऑपको टेबल इन पास वन कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं वो भी बता दिया मैंने पास टू में कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं वो भी मैंने समझा दिया सो आई होप आपको पीओटी अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आने वाले वीडियो में मैं एमओ के बारे में बताऊंगी देन एस टी एल टी बीटी वन बाय वन तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच